नमस्कार दोस्तों, हमारा जो पहला टेस्ट है साइंस का उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में आपको सारे प्रश्न का आंसर के साथ साथ उसका सभी प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और सभी प्रश्नों को आप चाहें तो उत्तर के साथ आप सभी प्रश्नों को एक कॉपी में लिख भी सकते हैं और उसको बार बार पढ़ते रहें ताकि आपको याद हो जाए, और यदि उससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। ऑप्शन ए गोल्गी बॉडी, ऑप्शन बी लाइसोजोम्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हैं ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होते हैं। सेकेंड है, आफ्टर एडिंग सीड इन द वाटर सीड्स फ्लोटिंग आर वेस्ट, सीड्स सेटल डाउन आर वेस्ट, बोथ आर सेम क्वालिटी, सीड्स फ्लोटिंग एट द मिडिल आर वेस्ट। यानी कि कह रहा है कि पानी में बीज रखने के बाद जो बीज सबसे ऊपर तैरता है वो सही होता है, जो पानी में नीचे सतह पे बैठ जाता है वो सही होता है, या दोनों का उत्तम क्वालिटी दोनों एक ही क्वालिटी का होता है, या जो सीड ना ऊपर तैरता है ना जो नीचे बैठता है जो कि बीच में रहता है वो सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीड्स सेटल डाउन आर बेस्ट। यानी कि पानी में रखने के बाद जो बीज नीचे सतह पर बैठ जाता है वो उत्तम क्वालिटी का होता है। थर्ड क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड जाइगोट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, मिक्सिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, एलिफेंटियसिस इज कॉज्ड बाय टेपवर्म, राउंडवर्म, ब्यूचेरेडिया, रिंगवर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्यूचेरेडिया। एलिफेंटियसिस जो होता है वो ब्यूचेरेडिया के कारण होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नॉन सेल इज WBC, नर्व सेल, माइकोप्लाज्मा, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ये जो नर्व सेल है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल है और ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म सेल। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय फेरिंग्स, लैरिंग्स, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा लैरिंग्स। ह्यूमन बॉडी में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लैरिंग्स के थ्रू होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, फोर चिल्ड्रेन वेयर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेज ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन अ असेंडिंग ऑर्डर, दिस अरेंजमेंट्स आर गिवेन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। ऑप्शन ए रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग। ऑप्शन बी रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। ऑप्शन सी स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। ऑप्शन डी स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग। तो इसका आंसर होगा रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। रोलिंग में कम फ्रिक्शन लगता है, उससे थोड़ा ज़्यादा स्लाइडिंग में लगता है और सबसे ज़्यादा स्टैटिक में लगता है। एट्थ क्वेश्चन है, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय ए एम्पलीट्यूड, बी हर्ज, सी टाइम पीरियड, डी पिच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पिच। एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करता है, हर्ज ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट है, और टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जिसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम लेफ्ट, द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टेंट, क्योंकि ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, जो है वही रहेगा, यानी कि कॉन्स्टेंट रहता है। टेंथ क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। इलेवेंथ क्वेश्चन है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड ए एक्सेलरेशन, बी मोमेंटम, सी मास, डी प्रेशर। तो इसका आंसर होगा प्रेशर। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, हर्ज इज अ यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड। तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी, हर्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। थर्टीन्थ क्वेश्चन है, द फोर्स डैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर टूगेदर इज नॉन एज। ऑप्शन ए इंटरमोलिकुलर स्पेस, ऑप्शन बी बॉन्ड, ऑप्शन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। 15th क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इंडेमिक एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा इंडेंजर्ड एनिमल्स। आपको बता दें कि रेड डाटा बुक है जो है वो मेनली इंडेंजर्ड एनिमल्स और इंडेंजर्ड प्लांट्स का
रिकॉर्ड रखता है। 16th क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgO, MgCl2, MgOH छोड़ दी। तो इसका आंसर होगा MgCl2, यानी कि ऑप्शन बी। 17th क्वेश्चन है, रेयन इज नेचुरल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, नेचुरल प्लास्टिक, आर्टिफिशियल प्लास्टिक। तो इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि ऑप्शन बी। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पोर्टेंट ओर ऑफ कॉपर, ए मेलाचाइट, बी कैलामाइन, सी गैलेना, डी डोलोमाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मेलाचाइट। 19th क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ए वर्गीज कुरियन, बी MS स्वामीनाथन, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी नन ऑफ द अबव। आपको बता दें कि वर्गीज कुरियन जो थे ये फादर व्हाइट रिवोल्यूशन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन बी, और जो सुंदरलाल बहुगुणा है उन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 अक्टूबर, 10 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर। और भी ऐसे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल शाही का पाठशाला को और जुड़े रहिए हमारे साथ।